सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं विद फुल फैमिली, हम लोग जा रहे हैं गोवा के लिए। और गोवा में हम लोग इंजॉय करने वाले हैं, चार नाइट मोस्टली हम लोग स्टे करने वाले हैं। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग यूजली 5 बजे निकलने वाले थे लेकिन अभी बज रहे हैं 7, जो कि हर फैमिली में होता है, हर फैमिली प्रॉब्लम हम कितने भी बजे भी करें। तो मेरे पीछे है मेरी आजी और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो चलो आपको मिलता हूँ, अभी आपको पूरा आइटनरी बताऊँगा कि क्या कैसे बीच में रोड वोड सब। तो फिर चलो शुरू करते हैं ये जर्नी। और ये अनप्लान्ड जर्नी थी, 2 दिन में बनी है और फटाफट बन भी गई। चलो फिर। सो राइट नाउ वी रीच जस्ट, हम लोग अभी हमारे पहले टोल प्लाजा पे है। अभी हम लोग कौन सा पुणे एक्सप्रेस वे पे है और अभी जस्ट कौन सा टोल प्लाजा है वो ही देख रहे हैं हमें। कौन सा ये टोल प्लाजा पापा और पापा और मैं ही जागे, बाकी सबकी बैटरी गोल है क्योंकि कल हम रात को भांडुप से घर आए थे और अभी सबकी बैटरी तीनों के पीछे गुल है। देखो आप देख सकते हो तीनों के तीनों। सो एकदम मतलब हमें भी नींद आ रही है। एक्चुअली ये पुणे एक्सप्रेस वे है ही वैसा भाई, यहाँ पर मैं जितनी बार आया हूँ मुझे हमेशा नींद आती है, पता नहीं क्यों। और ये देखो डॉन बने हुए, डॉन मेरे साइड में। अभी देखिए टोल प्लाजा में और कितना हमारा टोल कटता है। हाई कर रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर टोल प्लाजा पे है और इंडियन के टोल प्लाजा का रूल है कि 100 मीटर के उनके एंट्री के गेट के पहले हम अगर आए तो हमें 1 मिनट में क्रॉस करना पड़ता है, नहीं तो हमारा क्या बोलते हैं टोल फ्री रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, महाराष्ट्र में बेसिकली है ही नहीं वो रूल। तो भाई कुछ कचरे के काम का है जो वो रूल है, जो क्या बोलते हैं। और फास्टैग का भी एक रूल है कि अगर कहाँ पर भी हम लोग का फास्टैग अगर स्कैन नहीं हुआ और उसमें हम लोग का बैलेंस अच्छा खासा है, मतलब सफिशिएंट बैलेंस है वो टोल के हिसाब से और क्रॉस नहीं हुआ तो हमें वो फ्री में रहता है। सो अभी क्या, अभी 1 मिनट का तो हम लोग इतने गाड़ी से कार से इतना 1 मिनट में तो क्रॉस नहीं होगा। तो ऐसे देखने के तो हमें फ्री में जाने देना चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं। लेकिन हाँ आप इस बात पर नहीं, आप चलो ठीक है कॉमन बहुत गाड़ियाँ है इसमें हम ये कर सकते, लेकिन अगर कहाँ पर आपका टोल का फास्टैग में सफिशिएंट बैलेंस है और आपका टोल वहाँ पर टोल बूथ पे मतलब स्कैन नहीं हो रहा है तो उनकी गलती है। वहाँ पर आप बिंदास मतलब क्या बोलते हैं उनको बोल सकते हो और क्या बोलते हैं भीड़ सकते हो उनसे कि हम लोग को नहीं चाहिए भाई, तुम तेरा रख ले, हम लोग नहीं देने वाले, हम लोग की गलती नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। सो आई थिंक तलेगांव टोल प्लाजा है। सो यहाँ पर देखते हैं कितना टोल कटता है। सो गाइज दिस इज खालापुर टोल और यहाँ पे आई थिंक कुछ 80 रुपीज, या मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे को मैसेज आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टोल कितना है। यहाँ पे टोल है वन वे का 270, 203 रुपये यहाँ का टोल है, 203। ओके चलो फटाफट स्कैन होते हैं भाई, फटाफट स्कैन हो गया है। टोल्स यहाँ पे ज़रा फास्टैग वाला भारी वाला ही फास्टैग है लगता है, गेट वेट नहीं, फटाफट स्कैन होते रहते हैं। तो अभी चलो टूवर्ड्स पुणे और मिलता हूँ आपको सेकेंड हॉल्ट में। अभी हम लोग पुणे एक्सप्रेसवे लोनावला क्रॉस कर दिया है, अभी हम लोग पुणे एक्सप्रेसवे पे। और अभी मेरी मम्मी थोड़ी जागी है और बाकी ये दोनों तो पीछे वाले पुल टूल है। शलाका को मैंने आगे इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि क्या बोलते हैं शलाका का वेट ज़रा कम है, पापा का वेट ज़रा ज़्यादा है, नहीं तो गाड़ी हमें इसका ये इशू है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और पहले से मेरे पीछे तो सिलेंडर है CNG का, तो अगर लगाया तो भाई पूरा मतलब ऐसे पीछे गाड़ी ऊपर हो जाती है, टार्जन मतलब पीछे से लैम्बोर्गिनी बन जाती है। सो थोड़ा हम लोग ने सामान कम ही कैरी किया है, कपड़े वपड़े, क्योंकि ज़्यादा दिन के नहीं जा रहे, 4 दिन के लिए जा रहे। सो अभी देखते हैं, आज का दिन तो हम लोग का ट्रैवल में ही चला जाएगा। सो अभी आगे का टोल प्लाजा में आपको अपडेट देता हूँ। और सबसे बड़ा इशू तो ये आएगा आगे जाके मतलब कर्नाटक, ये हम लोग सीधा बेंगलोर हाईवे पे चले तो आगे जाके सातारा कराड़ कोल्हापुर के आगे कर्नाटक बॉर्डर रहेगी। सो बेसिकली आई थिंक कर्नाटक बॉर्डर के यहाँ पे RT-PCR पूछते हैं, हम लोग को वहाँ पर तो नहीं जाने कर्नाटक, लेकिन वो लोग हमसे RT-PCR पूछेंगे तो हम लोग ने तो कुछ ऐसे कैरी नहीं किया। सो हम लोग कागल से मतलब पहले से राइड में आपको बताऊँगा। सो चलो फिर चलते।
सो अभी हम लोग पहुंचे हैं, आई थिंक ये कौन सा है आपको बताता हूँ, नाम देखो रे कौन सा है। तो यहाँ पर भी हम जाएंगे फास्ट टैग लेन में, कौन सा है, तलेगांव टोल प्लाजा है, दिस इज अ तलेगांव टोल प्लाजा। मैं यहाँ से गुजर, आई थिंक यहाँ पर 70 रुपीज़ का टोल कुछ तो पड़ेगा कार का, देखते हैं अभी। टोल सॉरी, यहाँ पर भी 203 रुपये ये टोल, 203 ही है टोल। भाई टोल का रिसिप्ट नहीं, यहाँ पे हमारा फास्ट टैग है। चलो चलेगा टोल प्लाजा बंद, अभी हो जाएगा ओपन, गुड बॉय। और अभी कितने, अभी हम लोग में से 4 लोग उठ चुके हैं, बस मेरी नानी सो रही है अभी तक बस। और अभी ये टोल प्लाजा मतलब खालापुर का, खालापुर नहीं सॉरी तलेगांव का, यहाँ पर भी 203 रुपये अभी देखते हैं आगे, मतलब अभी तक टोटल होके 450 रुपये चले गए टोल में। अभी देखेंगे कितना, मतलब मुझे ये बेसिकली ये ट्रिप बजट ट्रिप में, हम लोग की फैमिली टोटल में बजट ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पर हम लोग ने बुकिंग ली है वहाँ पर भी, मतलब इतना, मतलब हम लोग ने सिर्फ रहने के लिए बस एक रात हम लोग को वहाँ पर स्पेंड करनी है। सो बस उसके बाकी सब हम गाड़ी से बाहर ही घूमेंगे। और गोवा ट्रिप मैंने इसलिए की क्योंकि अभी सब इधर, मतलब CNG BNG है ना, वो अभी सब इधर मिल रहा है, मतलब हर एक, मतलब पहले सातार के आगे, कभी सातारा के आगे, अभी सब इधर CNG है। और सो इसलिए थोड़ा मतलब कम एक्सपेंस हमें गिरेगा पेट्रोल का, सो इसलिए। और पुणे एक्सप्रेस पे जब भी आओगे, जब भी आपको एक ऊपर वाला ऐसा गेट पिलर टाइप दिखेगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, और वहाँ पर मतलब 80-100 के नीचे ही गाड़ी आपके चाहिए, नहीं तो 1000 रुपये का चालान कट ही जाएगा। सो अभी हम लोग ने जस्ट पुणे एंटर किया है, और अभी पुणे से हम लोग, मेरा पहला हॉल्ट है जहाँ पर मैं CNG भराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, अपना एवरेज नहीं देखने, भी एवरेज तो आप समझ ही लो। पुणे में भी बहुत सारे CNG पंप है मेरे आजू बाजू, जब सब इधर CNG पंप है अभी, सो अभी इतना टेंशन नहीं है। सो अभी फटाफट CNG भर के मैं, 21 किलोमीटर पे मेरा अभी फर्स्ट CNG स्टॉप है, सो मैं वहाँ पे CNG फुलफिल करूँगा, हम लोग कुछ खा पी लेंगे और फिर वहाँ से ना। वी टेक अ फर्स्ट हॉल्ट, अभी हम लोग पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के साइड में रुके, क्योंकि सुबह से भी हम लोग ने कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पर मैं आपको डिश दिखाना चाहता हूँ जो कि शलाका ने मंगाई, पुनेरी स्पेशल। बाकी हम लोग ने इतना कुछ अच्छा नहीं मंगाया, हम लोग ने सादा सादा ही मंगाया। तो शलाका देखो, पुनेरी मिसर हम लोग ने कुछ नहीं, इसने डोसा, इसने क्या बोलते वड़ा, मैंने भी वही मंगाया। सो अभी फटाफट ये ख़त्म करके वापस से ट्रिप चालू करते हैं। और ये देखो भजिया पाव पापा ने लाया। सो अभी हमारा नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो चुका है, और अभी हम लोग रुके थे जोशी वड़े वाले, ये पिंपरी चिंचवड़ के यहाँ पर, यहाँ के पुनेरी मिसल मतलब ना भाई बेस्ट है, और वड़ा भी बहुत अच्छा था, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था, वैल्यू फॉर मनी था, लस्सी बस्सी सब। सो आते टाइम आपको अगर लगता है तो, मतलब पार्किंग भी अच्छा है, मतलब सामने सीधा रोड से यहाँ पर आ जाओ। हम लोग का अचानक भयंकर ही यहाँ पर भी, जैसा हम लोग का ये प्लान अचानक हो गया है, मतलब सोचा नहीं था, मतलब प्लान, मतलब प्री प्लान जो हम लोग करते हैं 1-2 महीने से, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन ये वाला हम लोग का हो गया, क्योंकि ये अर्जेंट में बना था कि चलो निकलते हैं ऐसे ही, ऐसे में पापा मम्मी ने बोल दिया महाबलेश्वर जाते हैं, महाबलेश्वर, लेकिन महाबलेश्वर में इतना कुछ नहीं, हिल स्टेशन है भाई, और क्या किधर घूमेंगे घूम के। सो वी डिसाइडेड टू गो टू गोवा, और अभी आधी ट्रिप हम लोग की चल चुकी है, मतलब आधा हम लोग ने कवर कर दिया। अभी यहाँ से आगे सातारा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप लेंगे हम लोग कराड़, उसके बाद कराड़ से आगे फिर और एक फ्यूलिंग करूँगा, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है मोस्टली, अगर मैं देखे जाऊँ तो CNG मेरा चल जाएगा, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना है, सो दैट्स व्हाई जस्ट एकदम बजट ट्रिप, फैमिली ट्रिप। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट हॉल्ट स्टेशन में, या फिर अगले टोल बूथ में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचे PS टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा टोल लगा है ये, अभी यहाँ पर टोल कितना है शाला का देख रहा है,
सो गाइज अभी हम आ चुके हैं आनेवाड़ी टोल प्लाजा पर. सो दिस इज द आनेवाड़ी टोल प्लाजा और यहाँ पर देखते हैं कितना कटेगा अपना टोल. तो फास्टैग यूजर है भाई. गाइज जस्ट लुक एट दिस. यहाँ पर मतलब सातारा का ये सीएनजी पंप है और यहाँ पर लाइन देखो सीएनजी की. ओ माय गॉड. मतलब ये भी नहीं इससे भी पीछे मतलब और 500 मीटर पीछे से लाइन चालू है और ये आगे एक भारत पेट्रोल पंप है जो इसकी सीएनजी पंप है. अगर मैं यहाँ पर अभी रुका तो मैं रात को 12 बजे आई थिंक गोवा पहुँच जाऊँगा. सो मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर सीएनजी के लिए रुकूँ या फिर निकलूँ. चलो निकलते. ऑप्शन नहीं इधर दिखा. सो अभी मेरे पास दो डॉट है तीन डॉट है. सो मैं आगे के सीएनजी पंप तक जा सकता हूँ. और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का एक्सप्रेशन देखो सीएनजी की लाइन देख के. बाबा ये सीएनजी की लाइन है क्या, सीएनजी बनाने के लिए जा रहे. चलो निकलो यहाँ से फटाफट निकलते. अभी सीधा आगे वाला कोल्हापुर में स्टॉप लेते. कराड़, ये कराड़ का है सीएनजी. सातारा हम लोग ने छोड़ दिया. हाँ, कराड़ से ना. तो अभी हम आ चुके तासवड़े पथवर नाका. ये हमारा कौन सा पांचवा टोल है अभी तक के ट्रिप में का. सो यहाँ पर क्या पता है यहाँ पर रेट्स मेंशन ही नहीं किए ये लोगों ने और क्या चालू है इन लोग का, आगे क्या होता है, कितना टाइम लगाएंगे. तो आपको मैं रेट्स पूरे एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरे रेट वेट बता दूंगा ये कि रोड ट्रिप का कितना है भरा और कर्नाटक बॉर्डर एंड ऑल उनका क्या सीन है. तो चलो फिर कौन सा टोला है फिर से एक बार टोल आया है 80 रुपीज. तो वापिस से 80 रुपीज़ यहाँ पर भी. सो दिस इज आई थिंक ये 8 टोल है. किनी टोल प्लाजा मैप में दिख रहा है. सो अभी तक अभी हम लोग कोल्हापुर में. सो अभी हम लोग कोल्हापुर एंटर करने वाले हैं और फिर कोल्हापुर से थोड़ा आगे मैं अपना लास्ट सीएनजी भरूंगा यहाँ पर एंड देन फिर डायरेक्टली मतलब गोवा में हम लोग जाके सीएनजी फिल करेंगे. तो गाड़ी का एवरेज तो अच्छा, अभी तक मेरे पास दो डॉट है. अभी तक मैंने दो बार ही सीएनजी भरा है, एक सुबह डोंबिवली से निकलते टाइम और उसके बाद एक पुणे में. सो अभी तक वही चल रहा है बट अभी देखते हैं ये कितने देर तक चलेगा क्योंकि अभी भी 26 किलोमीटर बाकी है. सो यहाँ पर अभी सीएनजी रहेगा. मतलब यहाँ पर कैसे आप सोच समझ के बहुत तेज हो रहा है आना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सीएनजी पंप है ना वहाँ पर सीएनजी तो है अभी लेकिन सप्लाई चेन नहीं है. सो अभी हम लोग दो सीएनजी पंप देखे, एक तो कितना उसमें लाइन था और दूसरे में सीएनजी खत्म था. सो अभी ये लास्ट हम लोग का बचा है यहाँ कर वो ठाणे कोल्हापुर में. तो उसके बाद अगर नहीं रहा तो फिर मुझे पेट्रोल पे अनफॉर्चुनेटली चलानी पड़ेगी. सो फिर ट्रिप का ज़रा बजट मेरा उलट पुलट हो जाएगा. तो चलो फिर देखते हैं अभी और कितने टोल आएंगे क्या पता. सो दिस इज़ आवर सीएनजी का लास्ट स्टॉप. यहाँ से हम जाएंगे कागल के बाद फिर गोवा देखते हैं. अभी मैं सीएनजी भर रहा हूँ, यहाँ पर सीएनजी मिल गया एचपी के. यहाँ पर अभी देखते हैं कहाँ तक जाने का सब जान. वॉशरूम गए, मैं भी वॉशरूम पे गया. तो गाइस आपको गोवा जाना है और आपको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करनी है ना, मतलब कर्नाटक बॉर्डर में आप जाओगे तो वहाँ से आपको भगा देंगे. आरटीपीसीआर टेस्ट वहाँ पर कंपलसरी है. सो आपको क्या करना है, कोल्हापुर से कागल डालना है. कागल में से गूगल में आप कागल डाल दो और कागल का ये आप भी हम लोग यहाँ से अंदर से जाएंगे और ये सीधा हमें अंबोली घाट लेके जाएगा ये रोड. सो अंबोली घाट में जाएंगे हम और डायरेक्ट अंबोली घाट से फिर हम मतलब कर्नाटक बॉर्डर हम क्रॉस नहीं करेंगे. सो हमें आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं और गोवा में तो सिर्फ क्या बोलते हैं अपना 2 डोज कम्प्लीट का हुआ है. सो आपको अगर गोवा में जाना है तो आप ये रूट मैं आपको प्रेफर करूंगा जाने के लिए. सो ये देखिए आगे हम यहाँ से अभी नीचे से सीधा अंदर चले जाएंगे और वहाँ से फिर अंबोली घाट सीधा. कुछ 4 घंटे का रास्ता है, थोड़ी तकलीफ होगी आपको लेकिन दिस इज़ द बेस्ट. आप आरटीपीसीआर में अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो खाली पीली, आरटीपीसीआर में क्यों इतना पैसा बर्बाद करना है, वो भी सिर्फ 5 मिनट का 10 मिनट का कर्नाटक का रास्ता है बस.
दस मिनट में हम कर्नाटक जाते हैं, बस वापस से महाराष्ट्र की साइड में चले जाते हैं, तो फायदा ही नहीं है कुछ RT-PCR करने का। सो बस थैंक यू। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वापस से घर, मतलब रूम पे जहाँ पे हमने बुक किया था, और अभी बज रहे 10। मतलब हम लोग ने, मतलब मैंने CNG का एक ये किया था कि CNG भरना है मुझे, क्योंकि कल यहाँ पर वापस की गोवा में इतने CNG पंप नहीं है। सो लेकिन क्या हुआ, वो CNG पंप बंद निकला और मैं इतना पूरा घूम के सावंतवाड़ी बहुत 630 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, और कुछ टोल प्लाजा मतलब कोल्हापुर के बाद मैंने वो क्या बोलते कागल का लिया, कागल का, और कागल से हम लोग ने, मतलब वो रास्ता अच्छा है लेकिन बहुत रिस्की रास्ता है और सुनसान रास्ता है। सो और टर्न्स बहुत है, और वो टर्न में मतलब इतना टर्न में हुआ कि यहाँ पर मेरी नानी की बैटरी डाउन हो गई पूरी। मेरी नानी ने वॉमिट किया, उसके बाद उसका देख के मेरे शलाका ने भी स्टार्ट कर दिया, शलाका ने भी वॉमिट कर दिया, और इतनी उल्टी उल्टी हो के हम लोग कैसे तो यहाँ पर पहुँचे। अभी इसकी हालत देखो और वो भी, तो अभी हम लोग देख रहे हैं अभी 10 बजे कहाँ पर कुछ मिलता है क्या पूरी, मतलब मेरी भी हालत डाउन है। सो बस और कुछ टोल कुछ 700-800 रुपये आपको पकड़ के चलो, 700 रुपया बेसिकली टोल अगर मुझे तो लगा है। सो आप देखो कितना लगेगा आपको अगर आप को रोड से आओगे, और कर्नाटक में बिल्कुल मत जाना, अभी भी उनका वही चालू है RT-PCR। सो देखे कुछ मतलब नहीं, हज़ार हज़ार की टेस्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो कि गोवा एक्सप्लोर करेंगे फाइनली। चलो।